दोस्तों ग्रेस हैरिस की शानदार पारी की बदौलत दोस्तों यूपी वॉरियर्स जो है वो क्वालिफाई कर गया है, यानी डब्ल्यूपीएल की तीसरी ऐसी टीम बन गई यूपी वॉरियर्स जो क्वालिफाई कर गई दोस्तों। अब जो है गुजरात जायंट्स, इसके अलावा दोस्तों आरसीबी का पत्ता कट हो चुका है और गुजरात जायंट्स और आरसीबी के पास कोई चांस नहीं बचा कि वो क्वालिफाई करेगी डब्ल्यूपीएल के लिए। फाइनली दोस्तों यूपी वॉरियर्स जो है वो क्वालिफाई कर गई है, क्या बोलते हैं, डब्ल्यूपीएल के लिए। फटाफट दोस्तों ये मैच था, 17वां मैच दोपहर का मैच था दोस्तों। ये मैच काफी ज्यादा रोमांचक था गुजरात जायंट्स वर्सेस यूपी वॉरियर्स के बीच, क्योंकि यह मैच डिसाइड करता कि कौन सी टीम जो है वो क्वालिफाई करती है। अगर यूपी वॉरियर्स दोस्तों जीत गई है दोस्तों, अगर नहीं जीतती तो यह क्वालिफाई गुजरात का चांस था और आरसीबी का चांस था। पर दोस्तों यूपी वॉरियर्स इस मैच को बड़ी शानदार तरीके से जीती है और लास्ट बॉल तक दोस्तों, लास्ट एक ओवर में चाहिए था 7 रन, जिसमें दोस्तों लास्ट तक मैच रोमांचक लगा, यानी लास्ट ओवर के चौथे बॉल पर भी दोस्तों विकेट गिर जाता है, जिसके कारण दोस्तों 2 बॉल पर 2 रन चाहिए था, जिसमें दोस्तों लास्ट में जो है एलेक्स स्टोन ने 4 चौका मार के दोस्तों इस मैच को जिता दे दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मैच में आखिर हुआ क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों गुजरात जायंट्स यूपी वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का यहाँ फैसला किया, क्योंकि वो चेस करना चाहती यूपी वॉरियर्स ने टॉस नहीं जीता, गुजरात जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले यहाँ बैटिंग करने का फैसला किया। उसने सोचा कि एक बड़ा विशाल स्कोर खड़ा करके दे देंगे यूपी वॉरियर्स के सामने, जिससे वो चेस नहीं कर पाएगी। बट दोस्तों उसने ये बड़ा स्कोर किया भी, जाहिर सी बात है गुजरात जायंट्स ने एक बड़ा स्कोर किया भी, बल्कि उसके ओपनर जो है वो कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा कर नहीं सके। डंगली का बल्ला चला नहीं, 23 रन बनाया मात्र, इसके अलावा बुलबर दत्त का भी बल्ला चला नहीं, उसने भी 17 रन बनाया। तो कुल मिलाकर दोस्तों इन दोनों की तरफ से बल्ला तो चला नहीं, हरलीन दोयल भी बहुत जल्दी आउट हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में जो इसके बाद जो हेमलता आती है, गार्डनर आती है, इन दोनों की तरफ से बल्लेबाजी काफी ज्यादा शानदार रहती है। 57 रन की पारी खेलती है हेमलता, 33 गेंदों में जिसमें 6 चौके और 3 छक्के लगाती है। इसके अलावा दोस्तों एसएलए गार्डनर भी काफी ज्यादा शानदार पारी खेलती है, 60 रन की पारी खेलती है दोस्तों 39 गेंदों में और 6 चौके लगाती है 3 छक्के लगाती है। तो इन्हीं दोनों की शानदार पारी की बदौलत दोस्तों गुजरात का स्कोर जो है वो 178 हो जाता है 6 विकेट के नुकसान पर। तो इतना बड़ा स्कोर था दोस्तों, और यूपी वॉरियर्स जो है जाहिर सी बात है कि इसे यूपी वॉरियर्स के लिए चेस करना काफी ज्यादा मुश्किल होता। बट दोस्तों जिस प्रकार से यूपी वॉरियर्स जो है बैटिंग करने उतरती है, अब बैटिंग करने उतरती है दोस्तों, तो सबसे पहले जो है विकेट जो जाता है वो दोस्तों बैद का जाता है। इसके लिए दोस्तों बैद जो है वो पावर प्ले में ही आउट हो जाती है। इसके लिए दोस्तों हैली जो उनकी कप्तान है, पिछले मैच में फ्लॉप रही थी और इस मैच में फ्लॉप थी, तो वो भी जो है पावर प्ले में ही आउट हो जाता है। और इसके लिए दोस्तों और इसके बाद जो बल्लेबाज आती है वो भी जो है पावर प्ले में ही आउट हो जाती है। कुल मिलाकर जो है यूपी वॉरियर्स का जो है तीसरा विकेट भी जो है वो पावर प्ले में ही गिर जाता है, जिससे दोस्तों यूपी वॉरियर्स थोड़ी सी कमजोर नजर आती है। पर दोस्तों इसके बाद ताहिला मैग्रेथ और क्रेस हैरिस दोनों इतनी शानदार पारी खेलती है कहने की बात नहीं। ताहिला मैग्रेथ दोस्तों 38 गेंदों में 57 रन की पारी खेलती, इसमें 11 चौके लगाती। इसके बाद दोस्तों क्रेस हैरिस भी काफी मुझे लगता है दोस्तों क्रेस हैरिस ही एक ऐसी खिलाड़ी दोस्तों इतनी शानदार पारी खेली, क्योंकि क्रेस हैरिस दोस्तों मैन ऑफ द मैच वाली पारी के लिए लगभग 41 गेंदों में 72 रन की पारी खेली, जिसमें कि 7 चौके लगाया और 11 छक्का लगाया। तो उसी की इस शानदार पारी के बल दोस्तों यूपी वॉरियर्स जो है वो इस रन को चेस कर पाती, पर दोस्तों ग्रेस हैरिस भी आउट हो जाती है, इसके जो ताहिला मैग्रेथ भी आउट हो जाती है। तब दोस्तों लास्ट में जो है वो एलेक्स स्टोन और कुछ बॉलर मिलकर दोस्तों ग्रेस हैरिस आउट हो जाने के बाद दोस्तों एलेक्स स्टोन ऐसा लगता है कि यह मैच जो है वो गुजरात जायंट्स भी जीत सकता है, यानी लास्ट तक ऐसा बना रहा है कि कभी यह मैच गुजरात जीतेगा कभी यह मैच यूपी जीतेगा। तो इस मैच में काफी ज्यादा रोमांचक लगा और लास्ट ओवर में दोस्तों 7 रन चाहिए था और जो है क्या बोलते ग्रेस हैरिस भी आउट हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि इस मैच को जो है गुजरात जायंट्स जो है जीत जाएगा। बट दोस्तों लास्ट बॉल पे दोस्तों सिंगल डबल लेते दोस्तों 30वें गेंद पे दोस्तों विकेट गिर जाता है यूपी वॉरियर्स का, और एक समय ऐसा लगता है यूपी वॉरियर्स जो है सॉरी गुजरात जायंट्स जो है इस मैच में वापसी कर चुका है। पर दोस्तों दो गेंदों पे जो है 2 रन चाहिए था, जिसमें दोस्तों एलेक्स स्टोन ने जो है वो लास्ट में दोस्तों 14 रन यानी लगभग उन दूसरे गेंद पे यानी 5वें गेंद पे दोस्तों चौका लगाया, दोस्तों मैच यूपी वॉरियर्स को जिता देती है। और आपको जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले बात करें तो गुजरात जायंट्स की तरफ से बॉलिंग काफी ज्यादा शानदार रही, बॉलिंग में कोई कमी नहीं रही, क्योंकि यूपी वॉरियर्स की इसने जो है 7 बल्लेबाज गिरा दिए और मात्र सोच सकते हैं लास्ट में जाके मैच जीते यूपी वॉरियर्स, काफी ज्यादा मुश्किल भरा यह मैच था रहा दोस्तों। गुजरात जायंट्स भी जल्दी हार नहीं मानी इस मैच में। किम गर्थ ने दोस्तों 2 विकेट निकाला, उसकी तरफ से मोनिका गार्डनर कांबर और राणा दोनों सभी ने दोस्तों 1-1 विकेट निकाला, यानी गर्थ के अलावा सभी ने दोस्तों 1-1 विकेट निकाला और काफी अच्छी
दमदार जो है वो फाइट दी गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को। बट दोस्तों जीत किसको मिली? यूपी वॉरियर्स को। यूपी वॉरियर्स जो है वो फाइनली क्वालिफाई कर गई दोस्तों, तीसरी ऐसी टीम बन गई जिस जो क्वालिफाई कर गई किसके लिए, तीसरी ऐसी टीम बन गई जो क्वालिफाई कर गई किसके लिए, WPL के लिए। यानी फाइनली डिसाइड हो गया तीन टीम कौन कौन सी WPL में जाएगी। पहली टीम होगी मुंबई इंडियंस, दूसरी टीम होगी दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स, और तीसरी टीम जो है वो हो गई क्या, यूपी वॉरियर्स। दोस्तों आज का जो दूसरा मुकाबला है, अगर उस मुकाबले में दिल्ली अगर हार जाता है मैच दोस्तों, तो जाहिर सी बात है चांस बन सकता है कि यूपी वॉरियर्स जो है वो दूसरे नंबर पे चली जाए। बट दोस्तों दूसरा या पहला, दूसरा या तीसरा कोई फायदा नहीं, आप दूसरे पर या तीसरे पर आपको जो है एलिमिनेटर मैच ही खेलना पड़ेगा। आज जो है दिल्ली कैपिटल्स के पास चांस है कि वो मुंबई को हरा कर जो है एक नंबर पर पहुंची, और अगर वो एक नंबर पर पहुंच जाती है तो डायरेक्ट वो फाइनल में एंट्री मार देगी। तो देखने वाली बात होगी क्या दिल्ली कैपिटल्स आज मुंबई इंडियंस को हरा पाती है। बस ऐसे दोस्तों यूपी वॉरियर्स का यह जीत जो है वो RCB को दुखी में डाल दिया है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात जायंट्स तो ऐसे ही दुखी में था, इसके अलावा दोस्तों RCB भी दुखी हो गया, क्योंकि दोस्तों वो भी उम्मीद लगाया हुआ था कि यूपी वॉरियर्स अगर इस मैच को हार जाता है और गुजरात जायंट्स इस मैच को जीत जाता है तो मेरा भी कुछ चांस बनता होगा WPL के एलिमिनेटर पहुंचने का। पर दोस्तों वो जरा सा भी एक उम्मीद थी, एक चांस था कि RCB जो है क्वालिफाई कर सकती है, वो पूरी तरीके से उम्मीद तोड़ दिया यूपी वॉरियर्स ने सभी का, दोनों टीमों का। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इस मैच का प्रेडिक्शन किया था कि इस मैच को कौन जीतेगा, यूपी वॉरियर्स, तो वही हुआ दोस्तों, यूपी वॉरियर्स ने इस मैच को जीत लिया बड़ी शानदार तरीके से। और मैंने बताया था कि प्लेयर ऑफ द मैच दोस्तों एलिसा हैली होगी, पर दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी, ग्रेस हैरिस। तो देखने वाली बात होगी कि आज का दूसरा मुकाबला कौन जीतता है, क्या मुंबई जीतेगी, क्या दिल्ली कैपिटल्स जीतेगी, सारा चीज आप हमें मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।